हेलो एवरीवन, मैं शारव, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, जीएलए कॉलेज, एनपीयू मेदिनीनगर से। आज मैं आप लोगों के सामने पीजी सेमेस्टर वन का पेपर 4 जो है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, उसका एक टॉपिक उठाऊंगा और उस पर डिस्कस करूंगा। हमारा टॉपिक है सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट, द्वितीय विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा हमारे विश्व पे। तो जैसा कि आप लोग नाम से ही जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध को, कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ कब। द्वितीय विश्व युद्ध का काल है 1939 से 1945, और यह युद्ध जो था बहुत ही भयावह था, डिस्ट्रक्टिव था। इसमें धन जन की अपूर्णीय क्षति हुई, इसमें काफी संख्या में लोग मारे गए थे। इस युद्ध में करीब एक अनुमानता माना जाता है कि लगभग 2,20,00,000 लोग मारे गए थे और 3,30,00,000 लोग घायल हुए थे। इसके अलावा सर्वसाधारण के भी लगभग 1,00,00,000 लोग इस युद्ध में मारे गए या हताहत हुए थे। तो इतना भयावह युद्ध था, इसमें जन के साथ धन की भी अपूर्णीय क्षति हुई। इस क्षति के पश्चात विद्वानों को ऐसा लगने लगा, विभिन्न देशों के विद्वान मंडल जो भी थे, जो लोग थे, वो ये सोचने पे मजबूर हो गए कि अगर ऐसा युद्ध दोबारा फिर से होता है तो संभव है कि हमारी सृष्टि का ही विनाश हो जाए। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु युद्धों का प्रयोग किया गया था, परमाणु शस्त्रों का प्रयोग किया गया था। ये शस्त्र जो थे, इनकी विभीषिका आप सब जानते हैं कि आज भी इसकी विभीषिका अनुवांशिक तौर पर जापान के लोगों में देखने को मिलती है। तो विद्वानों की मंडलियों ने मिलकर यह तय किया कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो शांति स्थापित करने के उद्देश्य से जो राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, उससे भी मजबूत एक संगठन तैयार किया जाए। इसी उद्देश्य से 24 अक्टूबर 1945 को, 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना बेसिकली मूल रूप से विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा और सद्भावना बनाए रखने के उद्देश्य से की गई थी। इसके गठन के पश्चात इसका सबसे परम लक्ष्य था कि मानववादी जीवन दर्शन को अपनाया जाए। मानववादी जीवन दर्शन क्या कहता है? मानववादी जीवन दर्शन बताता है कि लोगों को कैसे स्वतंत्र रूप से विकसित होने का अवसर मिलना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार है कि वह अपना जीवन स्वतंत्रता पूर्वक निष्पक्ष रूप से जी सके। इसी विचारधारा को हम लोग ह्यूमनिस्ट फिलॉसफी या मानववादी जीवन दर्शन भी कहते हैं। इसके पश्चात जब मानववादी जीवन दर्शन अस्तित्व में आया, तो नी औपनिवेशीकरण या वी औपनिवेशीकरण, जिसको हम लोग डीकोलोनाइजेशन कहते हैं, वो भी प्रारंभ हो गया। आप लोगों ने सुना होगा कि औपनिवेशीकरण का मतलब होता है किसी साम्राज्य की सीमा का विस्तार कर दूसरे के साम्राज्य में अपनी कॉलोनीज बसाना और फिर धीरे धीरे उसको पूरे अपने हाथों में ले लेना, जैसे ब्रिटेन ने भारत में किया था। वो भारत में आया था व्यापार करने के लिए, लेकिन आगे चल करके भारत की राजनीतिक अव्यवस्था को देखते हुए उसने संपूर्ण भारत की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया और भारत में अपना साम्राज्यवादी शासन स्थापित किया। इसे हम लोग कहते हैं औपनिवेशीकरण। इसके ठीक विपरीत द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोपीय शक्तियों की ताकत कमजोर होने लगी थी, और इसी कारण यूरोपीय शक्तियों का जो अन्य देशों पर अस्तित्व था, जो उनका प्रभाव था, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा। और इसी कड़ी में नी औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। इस क्रम में ब्रिटेन जो था, जो जिसने कई बड़े बड़े देशों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया हुआ था, वो धीरे धीरे उनको छोड़कर जाने लगा। इस क्रम में उसने बर्मा, लंका, मलेशिया, भारत, इन सभी राज्यों को छोड़ा। तो इस प्रकार से नी औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, ठीक है। इसके पश्चात जब यूरोपीय शक्तियों का प्रभुत्व समाप्त हुआ, तो यूरोपीय प्रभुत्व के अंत के पश्चात मध्य व सुदूर पूर्व के महत्व में वृद्धि होनी शुरू हो गई। मध्य और सुदूर पूर्व के जो राज्य थे, जब वो स्वतंत्र हुए, तो उनकी शक्ति में वृद्धि हुई और
इन राज्यों में बेसिकली तेल के कुएं, खान और कई खनिज संसाधनों की उपलब्धता थी और इसकी वजह से ये तेजी से विकास करने लगे। इनके विकास होने के साथ साथ इन्होंने वैज्ञानिक प्रगति को भी प्रोत्साहन दिया और वैज्ञानिक प्रगति के प्रोत्साहन के कारण देश में नई नई चीजों का आविष्कार भी होने लगा और विश्व जो है परस्पर दो विरोधी विचारधाराओं, एक था आपका पूंजीवादी गुट और एक था आपका साम्यवादी गुट, इन दो गुटों में विभाजित हो गया। ये दोनों गुटों की विचारधारा अलग अलग थी। पूंजीवादी गुट जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, उसने पूंजीवाद के विकास के लिए अपनी विचारधारा को अपनाया और पूंजीवादी विचारधारा के मानने वाले लोगों को अपनी पाले में करना प्रारंभ कर दिया। दूसरी ओर रूस था, साम्यवादी सोवियत संघ जिसे कहते हैं, सोवियत संघ ने क्या किया कि उसने साम्यवादी विचारधारा के समर्थक देशों को अपनी ओर मिलाना शुरू किया और इस प्रकार दो परस्पर विरोधी गुटों का उदय हुआ। इन दोनों गुटों ने आपस में, क्योंकि वे युद्ध नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने वाक युद्ध प्रारंभ कर दिया। यह वाक युद्ध जो था बेसिकली शीत युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। शीत युद्ध जब प्रारंभ हुआ तब इसी दौर में गुट निरपेक्षता राज्यों का उदय हुआ। दरअसल भारत जब स्वतंत्र हो चुका था, उसने क्या किया कि उसने देखा कि विश्व दो धड़ों में विभाजित हो चुका है, एक तो पूंजीवादी गुट था और एक था साम्यवादी गुट। तो पूंजीवादी गुट या साम्यवादी गुट में जाना, इसका मतलब भारत ने यह सोचा कि अगर वह किसी भी गुट में जाएगा तो वह एक पराधीनता को त्याग कर दूसरी पराधीनता को स्वीकार कर लेगा। इसलिए उसने यह निर्णय किया कि वह किसी भी गुट में ना जाकर गुटों से अलग एक गुट निरपेक्ष राजनीति करेगा और उसने गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया। इसी कड़ी में गुट निरपेक्ष आंदोलनों का भी उदय हुआ और गुट निरपेक्ष आंदोलन का मूल उद्देश्य था कि किसी भी गुट में ना जाकर गुटों से अलग रहकर अपनी राजनीति की जाए। और इस दौर में कई राज्य जो स्वतंत्र हुए थे, वे सारे स्वतंत्र नए राज्यों ने गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया। लेकिन आगे चलकर के हम देखते हैं कि सोवियत संघ का विघटन हो गया और सोवियत संघ का विघटन होने के पश्चात विश्व की राजनीति परस्पर जो दो गुटों में विभाजित थी, वो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के हाथों में आकर सिमटने लगी और ऐसा हुआ कि जो विश्व की जो शक्ति थी वो एकल ध्रुवीय राजनीति में कन्वर्ट हो गई, बदल गई और विश्व जो था परस्पर विरोधी गुटों से खत्म होकर एक शक्तिशाली गुट का निर्माण हुआ जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में आ गया। इस प्रकार से हम पाते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलते हैं। पहला हो गया आपका, इसका विनाशकारी प्रभाव हुआ, विनाशकारी प्रभाव में धन जन की अपूर्णीय क्षति हुई। दूसरा था कि इस क्षति को देखकर विभिन्न विद्वानों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन का प्रावधान किया और उसके पश्चात जब संयुक्त राष्ट्र संगठन का स्थापना हुई तब उन्होंने विचार किया कि मानववादी जीवन दर्शन की विचारधारा को अपनाया जाए। और मानववादी जीवन दर्शन की विचारधारा यह कहती है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने स्वतंत्र रूप से विकास करने का समुचित अवसर मिलना चाहिए। इस विचारधारा के साथ साथ नई औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई, क्योंकि कोई भी साम्राज्य या कोई भी शक्ति किसी शक्ति के अधीन रहकर अपने मानव का स्वतंत्र रूप से विकास नहीं कर सकती। और इसके पश्चात भारत भी स्वतंत्र हुआ, बर्मा, लंका, मलेशिया, ब्रिटेन के जितने भी उपनिवेश थे वह सब स्वतंत्र हो गए और इन अफ्रीका के बहुत सारे राष्ट्र थे जो स्वतंत्र हुए, धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे। इसके बाद मध्य और सुदूर पूर्व के राष्ट्रों के महत्व में काफी वृद्धि हुई और इनके द्वारा वैज्ञानिक प्रगति को प्रोत्साहन दिया जाने लगा और इन वैज्ञानिक प्रगति के कारण यूरोप में परस्पर दो विरोधी गुटों का आविर्भाव हुआ। ये दो विरोधी गुट कौन कौन से थे? एक था पूंजीवादी राष्ट्र और एक था साम्यवादी राष्ट्र। पूंजीवादी राष्ट्र का नेतृत्व कौन कर रहा था? अमेरिका। और साम्यवादी गुट का नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ। तो इन दोनों गुटों के द्वारा
बराबर या प्रयास किया जा रहा था कि अपने प्रभाव में वृद्धि की जाए और दोनों गुट जो थे अपने अपने विचारधारा का प्रसार करने के लिए आपस में लड़ने लगे। लेकिन ये जो युद्ध हुआ ये वाक युद्ध था, जिसे हम शीत युद्ध की संज्ञा भी देते हैं। शीत युद्ध प्रारंभ हुआ तभी विजयी राष्ट्रों ने या दोनों गुटों के राष्ट्रों ने यह प्रयास किया कि अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाया जाए। उन्होंने अनेक क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना की और अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास करने लगे। लेकिन नए स्वतंत्र हुए राज्यों ने यह सोचा कि अगर हम किसी गुट की अधीनता को स्वीकार कर लेंगे तो हम एक गुट से एक आजादी को प्राप्त कर दूसरे की अधीनता को स्वीकार करने के जैसा होगा। इसलिए उन लोगों ने मिलकर गुटों से अलग रहकर गुट निरपेक्ष राजनीति का सहारा लिया। इसका नेतृत्व भारत ने किया और आगे चलकर के जितने भी पराधीन जो नए स्वतंत्र हुए राज्य थे उन सभी लोग उन्हें इन गुट निरपेक्ष गुट में शामिल होने का शामिल होते चले गए। आगे चलकर जब सोवियत संघ का विघटन होता है तो सोवियत संघ के विघटन के पश्चात विश्व की राजनीति सिर्फ सोवियत अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका के हाथों में आके केंद्रित हो जाता है और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो विश्व की एकल शक्ति के रूप में संपूर्ण विश्व के सामने प्रदर्शित होता है। तो आज के लिए मैं बस इतना ही, इतना पे रोकना चाहूंगा। इसके बाद मैं अगले क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।